नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारी महिलाओं ने ये पूछा है कि कितनी बार, कैसे, किस पोजीशन में, कैसे हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए जैसे कि हम संभवतः 100% प्रेग्नेंट हो जाएं। ये बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस हर महिला के मन में यही प्रश्न रहता है और हर पुरुष के मन में भी यही प्रश्न होता है कि कौन सा दिन सबसे बेस्ट है, जिस दिन हमें सारी चीज़ें ट्राई करना है, किस तरीके से ट्राई करना है, कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं जिसके कारण कंसीव होने के चांसेस कम हो जाए। और अगर आपको कंसीव करना है फटाफट तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपको जल्द प्रेग्नेंट बनने के लिए कितनी बार और कैसे इंटरकोर्स करना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप जल्द से जल्द गर्भ धारण करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इनको सबसे पहले समझना होगा कि ओवुलेशन उनकी कब हो रही है। ओवुलेशन का मतलब ही होता है अंडोत्सर्जन, यानी आपका अंडा कब आपके ओवरी से, अंडाशय से बाहर निकल रहा है। जिस दिन अंडा बाहर निकलता है उसी दिन गर्भधारण होता है। बाकी के महीनों में जितने दिन होते हैं वो सभी गर्भधारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इसी वजह से आपको कुछ ट्रिक्स में, जैसे कि आपके ओवुलेशन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको बहुत बारीकी से नोटिस करना है। सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है फ्रेंड्स, वो मेजरेबल है, काफ़ी सारी महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर नोटिस करना, यानी आपके शरीर का एक दो टेम्परेचर बढ़ा हुआ जो भी फ़ारेनहाइट है वो बता सकता है कि आपकी ओवुलेशन कब होने वाली है। इसके लिए सिंपल सा मेथड हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंड की जाती है कि डे वन, जिस दिन से आपकी पीरियड आई है, उस दिन से डेली आप सुबह बिना ब्रश किए हुए, बिना कुछ पिए खाए हुए, बिना बिल्कुल मुंह में कुछ भी नहीं लेना है और अपना तापमान शरीर का नापना है आपको। ये पूरा आपको महीने करना है। और जब आपके 13वें-14वें दिन आते हैं, बाय द वे आपकी पीरियड रेगुलर आती है 28 से 30 दिन की, तो आप नोटिस करेंगे कि उस दिन एक दो दिन आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल, जितने आपके आ रहे थे सब दिन, उससे एक दो डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है और इसी समय संभवतः आपकी ओवुलेशन होने वाली है, तो उसी दौरान आपको रिलेशन बनाना है। इसी के अलावा जो दूसरा मेजरेबल सिम्टम्स होता है वो होता है वजाइनल डिस्चार्ज, जो सर्विक्स से। फ्रेंड्स, ये वजाइनल डिस्चार्ज आपकी एग जब ओवरी से बाहर आती है, फोलिकुलर मैच्योर्ड हो जाता है और ट्यूब्स में जब 12 घंटों के लिए आपकी जो एग है, अंडा है, वो वेट करता है, तब इसी दौरान एग के साथ कुछ फ्लूइड भी बाहर आते हैं आपके अंडाशय से, जो कि धीरे धीरे बहने लगते हैं आपके वजाइनल एरिया से, जिसको हम वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। अब ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है और ये अंडे के सफ़ेद भाग के जैसा दिखता है, ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी जैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, जो आपने अमूमन कई बार सुना होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से, बारीकी से समझना होगा। महीने के जिस भी दिन आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके 10 से 12 दिन बाद ये सारे सिम्टम्स महिलाओं में दिखाई दे सकते हैं किसी भी दिन। तो आपको 10वें दिन के बाद बहुत ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का, विशेष रूप से अगर आपको तुरंत गर्भवती बनना है। इसी के साथ अगर आपको इन दोनों सिम्टम्स में से कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बाय द वे कुछ परसेंटेज महिला ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं चलता, तो उनको ओवुलेशन किट, जो मार्केट में स्मार्ट डिवाइसेस में भी अवेलेबल है, नॉर्मल किट में भी अवेलेबल हैं, तो दोनों प्रकार की जो ओवुलेशन किट होती हैं इनमें से बेस्ट दोनों ही रिजल्ट दे सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस कुछ अच्छा रिजल्ट देता है, आपके पिक पॉइंट कब है, यानी पिक फर्टाइल डेज कब आई है, आपके कब रिलेशन न बनाने वाले दिन है, ये सब कुछ उसमें आसानी से पता लगता है। और ओवुलेशन किट में जब आप यूरिन डालते हैं दोपहर की, तो इसमें संभवतः आपकी ओवुलेशन किस दौरान होने वाली है, किस दिन होने वाली है, इसका पता कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों पहले लग जाता है। उसकी सारे डिटेल ओवुलेशन किट के पीछे लिखी हुई होती है, उसे पढ़ के आप इन तीन ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए। ओवुलेशन के दौरान
आपको या तो डेली रिलेशन में रहना है या एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना है, क्योंकि महिला का एक 12 घंटों के लिए रहता है जीवित, और जो पुरुष से सेल्स आते हैं जिसे हम सीमन में स्पर्म्स की क्वांटिटी चेक करते हैं, तो उसकी जो लाइफ कैपेबिलिटी होती है वो 72 आवर्स की होती है, मिनिमम 4-5 डेज की। अगर ये दोनों संयोग या दोनों तालमेल अच्छा बैठ गया तो आपको कंसीव होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कंसीव हो जाएगा। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो बहुत जल्दी कंसीव होगा, फिर भी छोटी मोटी दिक्कतें कुछ महिलाओं में हो जाती है। हार्मोन इंबैलेंस होना, आपकी अगर एक एक क्वालिटी क्वांटिटी सही नहीं है, अगर सीमेन में कोई तरीके की परेशानी है या फिर और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो उस दौरान आपको या तो गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है, कुछ मेडिकल जांच करानी है, या फिर मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रिक्स एंड एडवाइस दिए गए हैं जो नेचुरली बेस्ड होते हैं, तो ये भी आप पे बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर छोटी भी आपकी कोई डाउट है या फिर पर्सनल कोई ऐसी क्वेरी है जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत है, प्रेगनेंसी हो गई है फिर कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे जाकर के फॉलो जरूर करें मुझे और अपने सवाल वहां पे पूछ लीजिए। इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और आगे ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ के रहें फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें, टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।